उलझी भावनाओं का बवंडर, हर पल उधेड़ बूंद से जूझ रही जिंदगियां, एक अपराध और कभी ना समाप्त होने वाला अनंत भंवर। ये औरत कौन थी? उसने ये संगीन कदम क्यों उठाया था? आखिर वो क्या वजह थी जिसने उसे ऐसे करने पर मजबूर किया था? यही सवाल आगे जाकर पुलिस के लिए वो झुलसते प्रश्न चिन्ह बनने वाले थे, जिनका जवाब ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होने वाला था। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ये केस आगे जाकर पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल साबित होने वाला था। यहाँ ना तो क्राइम सीन समझ में आ रहा था और ना ही क्रिमिनल का कुछ पता था। मेघा, जरा यहाँ आना। मेघा, वो फाल्गुनी की चुनरी के लिए जो मोती लाके रखे थे वो लाके देना जरा। हाँ माँ, अभी लाई। ये लीजिए माँ। अच्छा, वो फाल्गुनी के ससुराल वालों का जो सामान आने वाला था आ गया ना? हाँ माँ, सारी पैकिंग हो गई है। कल्याणी, देखो तुम्हारी बेटी के शादी के कार्ड आ गए। अरे वाह, बड़ी जल्दी छप गए। लाओ। रहने दीजिए मेघा जी, ज्यादा भारी नहीं है। अच्छा ठीक है, वहां रख दो। पापा, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। मैं चलता हूँ। देर हो गई है, ये शर्ट का वेट कर रहे होंगे। भाभी, भाभी मुझे ये शादी नहीं करनी। क्या हुआ, विनोद जी से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं भाभी, पर मैं ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं वहाँ ससुराल में अकेले क्या करूंगी? मेघा, मेरी शर्ट आयरन हुई है नहीं? हाँ, आई आई। देख फाल्गुनी, शादी से पहले ना हर लड़की को ऐसे ही लगता है, लेकिन बाद में ना सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ ठीक नहीं हुआ तो? तू विनोद जी से बात कर, विश्वास कर, सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो मैं हूं ना। जी भाभी। हेलो। अरे सॉरी, वो फाल्गुन। अरे क्या कर रहे हैं आप? शादी का घर है, इतने सारे काम है, और अब तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मेरी सुंदर सी बीवी के लिए सुंदर गिफ्ट ही तो लगेगा। मेघा। हाँ आई। अच्छा अब आप जाइए, बाद में दामाद जी के लिए अंगूठी खरीदनी है ना। अच्छा, जो फोटो में देखी थी वही लेनी है। ओके माँ, मैं तन्मय के पास जा रही हूँ ट्यूशन के लिए, एक घंटे में वापस आऊंगी। मेघा जी, तन्मय तो अभी स्कूल से वापस आया नहीं है, वो उसका स्पोर्ट्स डे है ना, तो लेट तक प्रैक्टिस होगा। आप आ जाइए तब तक, वो आ जाएगा। तू अंदर जा। और तुम यहां क्या कर रही हो? जाओ अपने घर। कितनी बार कहा है मेरे घर में ताका झांकी मत किया करो। जाओ। मेघा, सिर्फ एक हफ्ते की तो बात है, तुम्हारा ऐसा उतरवा चेहरा देखकर मैं कैसे जा सकता हूं? मेघा, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मेरी कितनी परवाह है ये देख लिया है मैंने। तुम क्यों ऐसा बोल रही हो? एक काम कीजिए, आप अपनी पैकिंग खत्म कीजिए, मैं जा रही हूँ फाल्गुनी के साथ उसका जोड़ा लाने। मेघा, मेघा, कल्याणी, फाल्गुनी,
कितना टाइम लगेगा? 7 बज गए। आई बस 5 मिनट और। 5 मिनट इन लोग के खत्म ही नहीं होते। दस लीटर केरोसिन देना। पांच मिनट करते करते 1 घंटा लगा दिया इन लोगों ने। बेटा तू भी साथ चलती तो अच्छा होता। हाँ भाभी आप भी साथ चलिए ना, नहीं तो मैं वहां अकेले बोर हो जाऊंगी। मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है, आप लोग जाइए ना। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, हम सुबह जल्दी लौट आएंगे। बाय भाभी। पांच लीटर पेट्रोल इससे कम हो जाएगा ना? कम तो नहीं पड़ेगा। रात के अंधेरे में मेघा को बड़ी ही निर्ममता के साथ जलाकर मार डाला गया। इस क्रूर हत्याकांड के पीछे आखिर किसका हाथ था? उसने ऐसा क्यों किया था? क्या उसकी दुश्मनी खुद मेघा से थी या फिर ये हत्या किसी और से बदला लेने के तैश में की गई थी? हाँ जीवन जी, हाँ मैंने लड़के का बायोडाटा देख लिया है। हाँ घर परिवार अच्छा है, आप उनसे बात करके मेघा की सगाई की तारीख फिक्स करवा दीजिए। हाँ अरे, पर पापा मुझे शादी नहीं करनी है। आप तो जानते हैं ना मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड का कोर्स करना चाहती हूँ, फिर भी आप ये सब कर रहे हैं। नहीं मेघा, मैं फैसला कर चुका हूँ, तुम्हारी शादी जल्द से जल्द होगी। हर वक्त तो नहीं रहूँगा ना मैं तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो समाज में क्या मुँह दिखाएंगे। पर पापा दीदी को पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर लेने दीजिए। जो भी करना है वो शादी के बाद कर लेगी। पर पापा दीदी ने जा, छोटी हो बड़ों के बीच मत बोलो। और वैसे भी गोपाल को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेघा की पढ़ाई के लिए, जो करना होगा ससुराल में आके कर लेगी। और हाँ इसकी शादी के बाद तुम भी तैयार रहना, 1 साल के अंदर मैं तुम्हारी भी शादी करवा दूंगा। अरे पापा आप ये क्या कर रहे? नहीं मेघा, मैं डिसाइड कर चुका हूँ, अब इसमें मुझे कोई चर्चा नहीं चाहिए। विक्टिम का नाम मेघा जोशी है, हादसे के वक्त ये घर में अकेली थी। घर में कोई स्ट्रगल के निशान? नहीं सर, जांच चल रही है, लेकिन सर ये सुसाइड का ही एंगल लग रहा है। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा है? सास ससुर और ननद, वो लोग एक शादी में जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो वापस आ गए। ये कुंडी बाहर से क्यों बंद है? मेघा कहाँ चली गई? दरवाजा भी खुला है। भाभी, मेघा, भाभी, अरे क्या हो गया मेरी बेटी को? भाभी, अभी कहाँ है? घर के अंदर ही है सर। मनोहर, फॉरेंसिक वालों को बुलाओ और उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। यस सर। आओ नायक। क्या? दरवाजा बाहर से बंद था? सर। दरवाजा बाहर से बंद था और हम अंदर आए तो जलने की बू आ रही थी और पीछे का दरवाजा भी खुला था। हम लोग दौड़े दौड़े गए और वहां देखा कि मेघा। आप लोग कितने बजे घर वापस आए? यही कोई 3:30 बज रहे होंगे। पिछले कुछ दिनों से मेघा किसी बात को लेकर परेशान थी? हमें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, बल्कि वो तो बहुत खुश थी। 2 हफ्ते बाद मेरी बेटी फाल्गुनी की शादी थी
और सारा जिम्मा उसी ने ले रखा था। मेघा, मेघा, माँ, पापा, मेघा कहाँ है? भैया भाभी ने खुदकुशी कर ली है। क्या बात कर रही है फाल्गुनी? मेघा खुदकुशी कर ही नहीं सकती है। मिस्टर गोपाल, आप ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? सर, ये बात दावे के साथ मैं नहीं बोलूंगा तो क्या आप बोलेंगे? मैं पति हूँ मेघा का। मेघा खुदकुशी कर ही नहीं सकती है, उसके पास खुदकुशी करने की वजह ही नहीं थी, वो तो बहुत खुश थी। चाचा, दो दिन सड़क पर रहेगी ना, सारी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। बेटा क्या हुआ? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। अब एक काम करो, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं पापा, पापा मुझे बहुत डांटेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा तुम डरो मत बेटा। अब अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी वो कहाँ है? अच्छा बेटा डरो मत, ठीक है? मैं काम करूँगी, मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगी, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटेंगे, ठीक है? लेकिन बेटा अभी मेरे साथ मेरे घर चलो। हाँ चल, प्लीज चल, 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 चल। बेटा, अरे क्या हुआ ये? किसने किया? कुछ नहीं, वो मैं खेलते खेलते गिर गई थी। दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो, अभी के अभी खोलो दरवाजा। अरे डायना बाहर आ, डायना। अरे क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? रुकिए, अब ऐसे मेरे घर में नहीं घुस सकते। बिल्कुल घुस सकता हूँ। तुम लोगों ने मेरी बेटी को किडनैप किया है, तुम लोग खिलाफ मैं पुलिस से कंप्लेन करूंगा। रजत जी प्लीज शांत हो जाइए, आपकी इसी बर्ताव से नैना बहुत डरी हुई है। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे मेरी बेटी से कैसे बोलना चाहिए। हटो यहां से नैना। रजत जी, मुझसे और मेरी बेटी से दूर रहो, समझी? नहीं तो मैं नहीं तो क्या कर लेंगे आप? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, और अगर आज के बाद मैं नैना की बॉडी पे एक भी चोट की निशान देखे ना, तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, फिर अपनी बेटी को कभी नहीं मिल पाएंगे आप, समझे? तो मुझे धमकी दे रही हो? तुम जानते क्या हो मेरे बारे में? चंद मिनटों में ऐसा गायब करूंगा ना, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, समझी? चला रजत के CDR और लोकेशन डिटेल्स निकलवाओ, आसपास भी पता करो। सर इतने दिनों से पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा हूँ, मेरे पापा को कुछ पता चला? देखो ऋत्विक, हम पता कर रहे हैं, जैसे कुछ भी पता चलेगा हम सामने से तुम्हें फोन करेंगे। कोशिश करेंगे तो पता चलेगा ना, पिछले 6 महीने से सिर्फ एक ही बात सुन रहा हूँ, पता कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। सर कोशिश करिए। तुम्हारे यहाँ बार बार आने से क्या होगा? और हम कोशिश कर रहे हैं ना, अब तुम जाओ यहाँ से, जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम फोन करेंगे। पापा, पापा, गुड न्यूज है। क्या? ये देखो, VGB प्राइवेट लिमिटेड से लेटर आया है। अरे बैंगलोर बुला रहे तुम्हें? यस। ट्रेनिंग के लिए? यस। बड़ी अच्छी खबर है, मुझे तुम पे नाज है। कब जाना है? अगले हफ्ते जाएंगे, 6 महीने के लिए पापा। पापा 6 महीने के लिए? अरे 6 महीने के लिए तुम चले जाओगे तो मैं अकेले क्या करूंगा यहाँ? अरे यार पापा तुम टेंशन मत लो, मैं काम करूंगा, ट्रेनिंग के बाद ना यही पंजी में अपना पोस्टिंग ले लूंगा, फिर दोनों मिलकर चिल करेंगे। पक्का? यस। भाई थोड़ा जल्दी कर यार। एक्सक्यूज मी, वन राइट स्पेस प्लीज। एक्सक्यूज मी, ये मेरा है ना? यस सर, आपका है। सॉरी, इट्स ओके। मेरे लिए भी सेम है। अरे पासवर्ड गलत बता रहा है, ये तो मेरा नंबर है। हेलो हेलो, ये मेरा नंबर है। हेलो, ये लीजिए आपका फोन, गलती से मेरे पास आ गया। बाय द वे, आपने पासवर्ड कैसे क्रैक किया? बस यूं समझ लीजिए कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। वैसे मैं टैलेंटेड लोगों की बहुत कदर करता हूँ।
ऋत्विक, पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? तुम्हारे पापा का कुछ पता चला? नहीं पता चला, और मुझे नहीं लगता कि पापा को कभी ढूंढ पाऊंगा। 6 महीने के लिए ट्रेनिंग पे क्या गया कि पापा पता नहीं कहाँ चले गए, पापा का कुछ पता नहीं चल रहा है। ऋत्विक तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा मिल जाएंगे। गोपाल कहाँ है? माँ मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसे टाइम पे बाहर? पापा चलिए, खाना लग गया है। मन नहीं है पूजा। पापा संभालिए खुद को, आपको कुछ महीने पहले ही हार्ट अटैक आया था ना, ऐसे तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। वो लोग कह रहे थे कि मेघा ने खुद को चला लिया, वो ऐसा क्यों करेगी मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो तो बहुत खुश थी ना वहां, है ना बेटा? सर मेघा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके लंग्स में राख और धुएं के रेसिड्यू मिले, इससे ये तो प्रूव हो जाता है जब उसकी बॉडी में आग लगी थी उस वक्त वो जिंदा थे, पर मौत जलने की वजह से हुई। सर उसकी बॉडी में जो भी स्ट्रगल के निशान थे उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। हो सकता है सच में मेघा ने खुद ही एक कदम उठाया हो, शायद किसी दुख में या फिर मेंटल टॉर्चर की वजह से, लेकिन उसके घर का मेन डोर बाहर से बंद था। मेघा ऐसा क्यों करेगी? इससे लगता है कि शायद कुछ बाहर से आया होगा। सर एक और बात पता चली है, कमल विहार कॉलोनी का वॉचमैन नत्थू हादसे वाले दिन के बाद से गायब है, उसका फोन भी स्विच ऑफ है, उसके घर पर भी ताला लगा हुआ है। उसका मेघा से कोई कनेक्शन था? सर कॉलोनी के एक दो लोगों का कहना है कि वो मेघा के पीछे पड़ा रहता था, मतलब उसकी मदद करना, बेवजह बात करने की कोशिश करना वगैरह। स्टॉकर था, उसका फोन ट्रैकिंग पे लगाओ, लोकल खबरियों को काम पे लगा दो। कैसा लग रहा है भाभी यार? अभी आया? हेलो मेघा, तुमने ये जानने के लिए फोन भी नहीं किया कि मैं पहुंचा भी हूं या नहीं? वो मैं शादी के काम में बिजी थी। अच्छा, पूछोगे नहीं वापस कब आ रहा हूं? नहीं, जैसा आप ठीक समझे। मेघा तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि तुम्हारे मुंह से निकला हर एक शब्द मुझे कितनी तकलीफ दे रहा है? और आपको अंदाजा है कि आपकी हरकत ने जो मुझे घाव दिया है वो शायद जिंदगी भर नहीं भरेगा। तो क्या करूं मैं? माफी मांग चुका हूं तुमसे मैं। मेघा मैं इसके लिए तुमसे कई बार माफी मांग चुका हूं, तो अब बताओ और मैं क्या करूं? क्या करूं और मैं बताओ? हेलो हेलो सर, कोई मेरे घर में घुस के मेरी बीवी को जला के मार के चला गया, और आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि 3 दिन से मेरे और मेरी बीवी के बीच में बात क्यों नहीं हो रही थी? आपको कुछ मिल नहीं रहा है तो बेफिजूल के सवाल पूछ रहे हैं आप मुझसे? मिस्टर गोपाल, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन में आप मदद नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते कि पता चले कि मेघा के साथ क्या हुआ था। सर मुझ पर शक करके आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। पूछिए क्या पूछना है आप लोगों को। आपने हमें बताया था कि आप 2 अगस्त को गोवा से रत्नागिरी के लिए निकले थे, लेकिन आप रत्नागिरी 3 अगस्त की रात को पहुंचे। हाँ, तो गोवा से रत्नागिरी 5 घंटे की दूरी पर है, आपको 24 घंटे कहां लग गए? मैं आपको बताता हूं, 2 की दोपहर से 3 की दोपहर तक आप सावंतवाड़ी में थे। जी हाँ था, मुझे कुछ काम था वहां। आपके CDR से हमें एस्टेट एजेंट का नंबर मिला, उसने हमें बताया कि आप सावंतवाड़ी में घर देख रहे हैं। किसके लिए? कोई और भी है क्या आपकी जिंदगी में? सही तमाशा बना के रखा है आप लोगों ने।
देखिए अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद कीजिए आप, और मेरी बीवी के कातिल को ढूंढिए जो आप लोगों का असली काम है। मेरी फोटो अंदर रखने से क्या मुझे भूल पाएंगे? दहेज मांगने की जरूरत ही कहां पड़ी थी? सोना चांदी पैसे गहने सब कुछ तो दिया था मैंने, यहां तक कि गोपाल को नई गाड़ी भी लेकर दी थी, ये सोचकर कि बेटी के घर वाले खुश रहेंगे तो बेटी को भी खुश रखें। तो आपको लगता है कि उन्हें और भी कुछ चाहिए था, इससे और भी ज्यादा? जरूर, वो मेरी बेटी को पीठ पीछे तंग कर रहे होंगे, और वो बेचारी किसी से कुछ ना कह सकी, बस अंदर ही अंदर घुटती रही। साबो पूरा परिवार मेरी बेटी का दोषी है, मैं उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस करना चाहता हूँ। पापा आज वो मस्कीटो कॉइल लेना है, कैसे हाँ, भी हाँ ठीक है, वो मैं ले आऊंगा, लेकिन तू एग्जाम देके सीधे घर पे आना। हाँ पापा। ओहो क्या लचक है चाल में, हाय सुना है घर में और एक आइटम है, वो भी एकदम माल है, वो तू रख ले ठीक है। मत कैसे तुम लोग ये सब करने की, शर्म नहीं आती तुम लोग? छोड़िए ना पापा, चलिए घर चलिए। बुड्ढे सही तो बोल रही है, चल। दो लड़के थे और ये हादसा फरवरी में हुआ था। जी सर, मेगा के कॉलोनी वाले घर पे, और ये दोनों उसे पहले भी परेशान किया करते थे। इन दोनों की CDR में कुछ और पता चला? 6 अगस्त की रात हादसे वाले टाइम विक्की और रोहित पणजी में, और सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों ने 10 लीटर केरोसिन भी खरीदा था मेन मार्केट के एक शॉप से। इन दोनों को उठवाओ। जी सर। साहब मेरा फोन गायब हो गया। कौन सा फोन था? ब्लैक कलर का था सर। कौन सा मॉडल था भाई साहब? हाँ कौन सा मॉडल सर? 2017 का मॉडल था सर। कहाँ से चोरी हुआ था? स्टेशन से चोरी हुआ। ठीक है, हमें जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको बताएंगे। चली गई ना तुझे छोड़ के, अच्छा किया। तुझ जैसे धोखेबाज के साथ यही होना चाहिए। मैंने कोई धोखा नहीं दिया है, मैं मेघा से प्यार कर प्यार करता था तू? प्यार तो वो तो सह करती थी, तेरे लिए जीती मरती थी, और तूने क्या किया, उसे अकेला छोड़कर चला गया? तूने मारा उसे। धोखा नहीं दिया मैंने, नहीं खून किया। तूने मारा उसे, तूने जान लिया मेघा की? नहीं नहीं मेघा, मैंने नहीं मारा मेघा तुम्हें, तूने ही मारा है मेघा। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? नहीं मेघा, खूनी है तू, खूनी है तू, तूने मारा मेघा को। नहीं चल मेघा, नहीं मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ, नहीं सब सब साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैं मेघा को पसंद करता था साहब, लेकिन उसने किसी और से शादी की और वो चली गई, उसके बाद से मैं उसको भूल गया था साहब। अगर भूल गया था तो जिस रात मेघा जलकर मरी उस रात तुम लोग पंजे में क्या कर रहे थे, और 10 लीटर केरोसिन क्यों खरीदा था तुम लोगों ने? दरअसल बात यह साहब, मेरे भाई ने वो कपड़े ड्राई क्लीनिंग का एक नया काम शुरू किया है, उसके लिए उसने केरोसिन मंगवाया था। आप चाहे तो पूछताछ कर सकते हो साहब। समझ में नहीं आ रहा है पापा को कहाँ ढूंढूं और कैसे ढूंढूं। ऋत्विक अगर तुम ऐसे हिम्मत हारोगे तो कैसे चलेगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पुलिस कह रही है कि पापा अपनी मर्जी से कहीं चले गए, तो मैं अपने पापा को जानता हूँ, वो मुझे से छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। तुम एक काम करो, मुझे अपने पापा की फोटो दिखाओ, मैं जिस पार्लर में काम करती हूँ वहाँ आसपास लोगों को दिखाऊंगी, क्या पता उनकी कोई खबर मिल जाए। मैं कितनी बार बोला है कि इस तरह के डीप नेक और कट सीव ब्लाउज पहनना मुझे पसंद नहीं, करके मोहल्ले के लड़कों को सीडिस करना चाहती हो? क्या बोल रहे हैं आप, मुझे अच्छा लगता है ऐसे कपड़े पहनना, और मैं किसी और को दिखाने के लिए नहीं पहनती हूँ। हेलो तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती,
मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। ऋत्विक, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। तुम जो चाहते हो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। मेरा अतीत हमें कभी एक नहीं होने देगा। मुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं और मैं उन सब से अब मुंह नहीं फेर सकती। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हाँ मुन्ना, क्या खबर है? वो रजत को एक आदमी पेट्रोल बेच रहा था इल्लीगल तरीके से। तरुण नाम है उसका, यही पंजी में रहता है। ठीक है, हम अभी निकल रहे हैं। इसमें 2000 कम है। क्यों, रेट तो 3 था ना? वो पहले का भाव था, अभी बढ़ गया है, 5000 हो गया। ये तो गलत बात है भाई। ए, ए, तू यहाँ छुप के क्या कर रही? मेरी जासूसी कर रही थी? नहीं, वो इतने सारे लोग, कौन थे वो लोग? वो मेरे दुकान में माल सप्लाई करते हैं। पर तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो मना किया था ना ताक झाक करने के लिए। चलो जाओ। मैंने मेघा को नहीं मारा, हाँ, लेकिन उसके मरने की खबर सुनकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। तुम मेघा को पसंद नहीं करते थे, इनफैक्ट तुम उसे धमकी देकर भी आए थे। तो और मैं क्या करता? कोई आपके घर में आग लगाएगा तो आप उसे थैंक यू बोलकर तो आएंगे नहीं। कोई तुम्हारे घर में आग लगाएगा तो तुम उसे 5 लीटर पेट्रोल डाल के जला दोगे? हमें पता चला है कि जिस दिन मेघा की मौत हुई तुमने इल्लीगल सप्लायर से 5 लीटर पेट्रोल खरीदा था। हाँ, क्योंकि शहर के सारे पेट्रोल पंप बंद थे। मेरे चाचा जी का 4th था, मुझे शहर से बाहर जाना था इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था। आप चाहें तो पता कर सकते हैं, इस वक्त ये हादसा हुआ मैं वहीं जा रहा था। वैसे मेघा की मौत तो केरोसिन से जलकर हुई है ना, फिर आप लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं चलूं। वैसे तन्मय की पढ़ाई ठीक चल रही है ना? नहीं, मतलब उसके ग्रेड्स गिर रहे थे इसलिए मैंने पूछा। तन्मय एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, फाइनल्स में कवर अप कर लेगा, लेकिन उसकी निजी जिंदगी में तनाव है। उसे दूर करने की जिम्मेदारी आपके और आपकी पत्नी की है। मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है, आप दोनों उसके सामने झगड़ा मत कीजिए, उस पर बुरा असर पड़ता है, सिर्फ 11 साल का है वो। हम करें तो क्या करें, आप ही बताओ। विभा ने तो जैसे हर बात पर झगड़ा करने की कसम खा ली, और अब मुझे नहीं लगता मैं और विभा एक साथ खुश रह सकते। वो मुझे नहीं समझती मेघा जी, बल्कि उससे तो कई ज्यादा आप मुझे समझती है, और तभी तो मेरा हालचाल पूछती है। अनिकेत जी, ये क्या कर रहे हैं आप? आप शायद मेरी दोस्ती को गलत समझ रहे हैं। मुझे परवाह आपकी नहीं, तन्मय की है, और मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हूँ। चलती हूँ मैं, कल से तन्मय को बोला मेरे घर आके ट्यूशन में। सर, रोहित सच बोल रहा था। हमने दुकानदार और उसके भाई दोनों से पूछताछ की, वो दुकानदार उन्हें रेगुलरली केरोसिन सप्लाई करता था। इस रजत पे भी नजर रखो, देखो वो शहर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। सर, एक और बात पता चली है, मेघा के कॉलेज में उसका एक बॉयफ्रेंड काफी पॉसेसिव था, एक आध बार उसने मेघा पर हाथ जोड़ा, जिसके बाद मेघा ने उसे ब्रेकअप कर दिया। वो अभी कहाँ पे? सर, मापूसा के एड्रेस पर, लोकल पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा, पर सर वो अभी तक घर नहीं आया। उसके नाम का अलर्ट जारी कर। जी सर। और सर, मेघा के डाउरी केस में उसके सास ससुर को बुढ़ापे की वजह से और ननद को कोई ठोस सबूत न मिलने की वजह से बेल मिल गई है। और गोपाल? सर, उसकी बेल रिजेक्ट हो गई है, वो अभी फिलहाल कस्टडी में ही रहेगा। मायक, ये भी कुछ ऐसा है जो हमारे रडार से मिसिंग है। ये सुन, ये वही घर है ना जिसमें वो कांड हुआ था, कोई जल के मर गया था और फैमिली वाले भी जेल में। हाँ भाई, घर तो वही है, बड़ा धक्का लगा था सबको। बात को वो 1 महीना हो गया है, सुनने में आ रहा है अब तो घर भी आने वाले छूट के वो सब। मेघा के सास ससुर और ननद को बेल तो मिल गई थी, पर उन पर लगे हुए दहेज उत्पीड़न के केस की सुनवाई होना अभी बाकी था। बहुत कोशिश करने पर भी पुलिस को मेघा के केस में
कोई और ब्रेक नहीं मिल पाया और बाकी केसेस की भीड़ में इस केस की फाइल नीचे दब गई। लेकिन 6 महीने बाद मिली एक लाश ने इस केस में फिर से जान डाल दी। आखिर उसका मेघा के केस से क्या ताल्लुक हो सकता था? सर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट के मुताबिक इसकी मौत कुछ 1 हफ्ते पहले ही हुई थी। फिर तो यहाँ पर कोई भी एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल है। ये शू प्रिंट है ना मनोहर, इसका फोटो निकालो और फॉरेंसिक वाले को फॉरवर्ड कर दो। यस सर। कुछ पता चला लाश किसकी? सर, फोटो ऑलरेडी सर्कुलेट करवा दी। इसका नाम हमारे सिस्टम में। हिस्ट्री शीटर? नहीं सर, 2019 में इसके नाम पर डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ था। क्या क्या नाम है उसका? श्वेता दामोदर, रजत दामोदर की पत्नी। गला काटा गया। ये रजत दामोदर वही है ना जिसे मेघा जोशी वाले केस में पूछताछ की थी? हाँ सर, वही रजत। अगर श्वेता दामोदर की मौत 1 हफ्ता पहले हुई है तो पहले कौन मरा था? आईडी कार्ड मिला है। हाँ साहब, ये मेरी पत्नी श्वेता का ही है। सर, श्वेता के पति ने देखते ही शिनाख्त कर ली थी। हमें भी लगा ये क्लियर सुसाइड का केस है, इसलिए हमने तुरंत ही अंतिम संस्कार करने की परमिशन दे दी। पर हर सुसाइड केस में बॉडी का पोस्टमार्टम करना कंपलसरी होता है नितिन। हाँ सर, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, इसलिए अब मैं ये केस खुद सॉल्व करूंगा। लेकिन कैसे? बॉडी का अंतिम संस्कार किया जा चुका है, अब कैसे पता चलेगा कि 2019 में जो मरा था वो कौन था? सर, मैं उस टाइम के सारे मिसिंग केसेस की फाइल निकालकर उन्हें चेक करता हूं। आयक, मुझे लगता है कि श्वेता और मेघा के केस के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इस श्वेता के बारे में और पता लगाओ, पता लगाओ कि यहां से जाने के बाद वो कहां थी, क्या कर रही थी, किसके साथ थी। सर, वो मेरे साथ थी। सर, न्यूज़पेपर में उसका आर्टिकल पढ़ा, इसलिए मैं आपके पास आया। 15 दिन पहले मुझे भी छोड़ के चली गई थी सर वो। शायद उसकी यही आदत थी। आज से करीबन 1.5 साल पहले नवंबर 2019 को वो अपने पति और अपनी बेटी को छोड़कर भाग गई थी। यहाँ तक कि वो अपनी मौत का नाटक करके भागी थी, शायद किसी और को मार के। सर, नवंबर 2019, उसी दौरान तो मेरे पापा भी अचानक गायब हुए थे सर, और आज तक नहीं मिले। जैसे ही हमें आपके पापा के बारे में कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सर प्लीज, पापा को थोड़ा जल्दी ढूंढिए। नायक, ऐसा हो सकता है कि 2019 में जो मारा गया था वो कोई आदमी? सर, इस केस में तो अजीबोगरीब खुलासे हो रहे हैं। अगर वो लाश एक आदमी की थी तो किसी को पता कैसे नहीं चला? इस केस में पुलिस से बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। मेघा, मुझे माफ कर देना। मेघा, मुझे माफ कर देना। मेघा, मुझे माफ कर देना। मेघा, साहब मुझे पता था ये कुछ गड़बड़ करने वाला है, अब तो से इसी घर के चक्कर काट रहा है ये। सर, कल गोपाल के घर में एक आदमी घुस आया था केरोसिन लेकर। वो तो अच्छा हुआ कि मनोहर ने उसे पकड़ लिया। व्हाट? वो आदमी अभी कहाँ है? हमारी कस्टडी में सर। गुड। और सर, क्राइम सीन से जो शू प्रिंट मिला था उसे एक पर्टिकुलर शू से मैच भी कर लिया हमने। उसका रिजल्ट पॉजिटिव है? जी सर। जैसा कि मुझे शक था। उसके बैकग्राउंड के बारे में हमें और क्या पता है? सर, उसकी बीवी के नाम पर 3 घर, एक पंजी में और 2 चिकलून में, और 80% पेमेंट कैश हुआ था, और पंजी के घर की गारंटी इस आदमी ने दी थी। और सर, इतना बड़ा षड्यंत्र रचने के बाद ऐसे मनी ट्रेल छोड़ जाना, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं ये लोग? इसे बेवकूफ़ी नहीं, इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, और अक्सर यही ओवर कॉन्फिडेंस क्रिमिनल की मात की वजह बनता है। और सर, पिछले 5 साल से ये एसोसिएशन चल रहा है। नत्थू का पता चल गया? कहाँ छिपा है?
अपने गांव में। ठीक है, हम अभी निकलते हैं। आदमी की लाश हो सकती है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता। कोई बात नहीं, ये केस पहले से ही बहुत उलझा हुआ था। हम पुलिस वाले भी तो इंसान हैं, हम भी तो गलती कर सकते हैं। सर, सर नत्थू के बारे में पता चल गया है। वो पास के गांव में छिपा हुआ था, इस वक्त अमली पुलिस के हिरासत में। उसका कहना है कि वो मेघा की मौत के पीछे का सच जानता है, और अगर पुलिस प्रोटेक्शन मिले तो वो सब कुछ बताने के लिए भी राजी है। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, और इस तरह से तो असली मुजरिम बहुत जल्द हमारी पकड़ में होगा। वैसे भी काफ़ी टाइम लग गया हमें। सर मेरे खबरी ने बताया कि रजत फेक डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। नायक, इससे पहले कि वो हमारे हाथ से फिसल जाए उसे जाके अरेस्ट करो। जी सर। तो सर ये नत्थू की कस्टडी लेने कौन जाएगा? सर अगर आप परमिशन दो तो मैं चला जाऊँ। मैं पहले ही काफ़ी लापरवाही कर चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस केस में मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प कर सकूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे SHO से बात कर लूँगा। नत्थू अभी अमली गाँव के पुलिस स्टेशन में। थैंक यू सर। एक रात के 20,000 फिक्स रेट है वहीं पर। अच्छा, 20,000? पर ये तेरी बख्शीश, ले ऐश कर, तू भी क्या याद रखेगा। मेरी बात ध्यान से सुन, मैंने कुछ बड़ा प्लान किया। एक बार वो कामयाब हो गया ना तो फिर मैं तुझे लेने भी आऊंगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पर मैं आऊंगी जरूर। हाँ एक बात हो, अगर कुछ दिन बाद तुझे ये पता चले कि मेरी मौत हो गई है तो इस बात पर विश्वास मत करना। हाँ मैं नहीं मरूंगी। तो फिर कौन मरेगा मम्मा? मेघा के साथ कॉलेज में पढ़ते थे, तुम ही उसके एक्स बॉयफ्रेंड हो? हाँ, हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे। मेघा ने किसी और से शादी कर ली इसलिए तुमने उसे मार डाला? देखिए सर, मैं कभी उसे जान से नहीं मार सकता, बल्कि मैं तो उसे पागलों की तरह प्यार करता था। तो फिर तुम दोनों ने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि हमारा ब्रेकअप उससे पहले हो चुका था। मैंने एक बार गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया था, इसलिए मेघा ने मुझे छोड़ दिया। तो अब तुम मेघा के सास ससुर को क्यों मारना चाहती? क्योंकि उन लोगों ने मेरी मेघा को मार डाला। ये बात तुम कैसे कह सकते हो? क्या मेघा से तुम्हारी कोई बात हुई थी? नहीं, लेकिन मुझे पता चल गया था। आप लोगों ने तो उन्हें अरेस्ट किया था, वो भी मरेंगे और वो गोपाल भी मरेगा। सर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं भाई, मेरे पे विश्वास करो भाई। नहीं भाई, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू पुलिस के सामने सारा सच उगल। अगर मुझे सच बोलना ही होता तो मैं 6 महीने छिपके क्यों रहता? पहले ही सच बोल दिया होता मैंने। तूने पुलिस को क्यों बताया कि तू मेघा की मौत का सच जानता है और पुलिस को सब बता देगा? अरे भाई, मैंने कुछ भी नहीं बोला पुलिस को। झूठ मत बोल, मैं सब जानता हूँ। नहीं, मेरे पे विश्वास करो भाई। नहीं भाई, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। इसकी बात मान लो नितिन, ये सच कह रहा है। मनोहर, इसकी गन लो। ये सारा नाटक हमने किया था तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए। जो जमीन तुमने अपनी बीवी के नाम से खरीदी उसकी गारंटी किसी और से दिलवानी चाहिए। क्या बात है, आज पिकनिक, जंगल, मूड तो सही है ना तुम्हारा? अलग करने के लिए था क्या? Cheers.
मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। हाँ मम्मा, अब जल्दी वापस आ जाओ, आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। नहीं, तुम्हें छोड़कर गई थी, लेकिन अब मैं अब ऐसे नहीं रह सकती, बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हेलो नैना बेटा, कुछ बोलो। बेटा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हेलो, वो कमीनी अब तक जिंदा है नितिन? उसका नंबर है मेरे पास, मैं तुम्हें भेजता हूँ, ट्रैक करो कि वो कहाँ है। मेघा और श्वेता के बीच क्या कनेक्शन है? वही कॉलोनी जहां वो दोनों रहती थी, कमल विहार, जहां से भागने के लिए श्वेता ने अपनी मौत का डांटा कटा, और जहां से भागने से पहले मेघा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बस तैयार हो रही होगी पुष्पा, वो जरा बाहर आना। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी बहू? बहुत अच्छी। तो क्या भाव सोचा आपने? तीस हजार लाइए दीजिए। लो, आज रात के लिए तुम्हारी। माँ आप क्या कर रही हैं? ऐसा मत कीजिए माँ, प्लीज। बहू परिवार की परंपरा है, निभानी तो पड़ेगी ना। नहीं माँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। ऐसे कहते हैं माँ, छोड़िए माँ, सब करते हैं माँ, प्लीज माँ छोड़ दीजिए माँ। ये तो क्या बोल रहा है गोपाल? हाँ माँ, वो कह रही है कि वो मर जाएगी। माँ मेघा अब इस प्रथा को आगे नहीं बढ़ाएगी, मेरा आखिरी फैसला है। मेघा को मारना बहुत जरूरी था, उसके बाद ही हम गोपाल की दूसरी शादी करके एक ऐसी बहू ला सकते थे जो हमारे घर की प्रथा को आगे बढ़ाए और हमारे घर में लक्ष्मी लाए। और इसके लिए हमने नितिन को उसे मारने भेजा, क्योंकि वो कमल विहार की इस प्रथा को बहुत अच्छे से जानता है और वो इस बात का हफ्ता भी लेता है। तुम लोगों को ये करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? इसमें शर्म कैसी, ये प्रथा तो सदियों से चली आ रही है, मैंने भी किया है, और अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू ये करे, और इसमें गलत क्या है? और ये प्रथा हमारे अकेले की तो है नहीं, और वो हमारा पड़ोसी रजत पहले अपनी बीवी श्वेता के साथ और अब अपनी बेटी नैना के साथ यही तो करता है, सब करते हैं, किस किस को पकड़ोगे आप? सभ्यता और संस्कार का दिखावा करके तुम लोग पीठ पीछे एक ब्रोथल चला रहे थे, पता नहीं कितने लोग तुम्हारे इन घटिया इरादों का शिकार हुए होंगे। पुलिस की रेड और गहरी तफ्तीश के बाद पूरे 52 परिवारों के सभी सदस्यों को सेक्स रैकेट चलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। यहां से रेस्क्यू हुई 44 महिलाओं को महिला गृह भेज दिया गया है। कॉलोनी से 47 अनाथ बच्चे भी बचाए गए हैं, जिन्हें बस पैदा करके छोड़ दिया गया था। उनके पिता या परिवार के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। हड़बड़ी और डर के प्रभाव में लिए गए निर्णय ना कि केवल अपरिपक्व होते हैं, बल्कि उनके पीछे छिपी हुई भयंकर सच्चाई कई बार इंसान को ऐसे भंवर में धकेल सकती है जहां से उसका बचकर निकल पाना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपना हर निर्णय शांति और समझ के साथ लें, ताकि आगे चलकर हमें कभी उस पर पछताना ना पड़े। तो मैं जाऊं दादा? यस। Ah!
ना। कौन है? मैं हूं पल्लवी। ठीक है माँ जी, मैं निकलता हूँ। सुधाकर बेटा, कुछ बात करनी थी। जी। वो मेरी बड़ी बेटी को गुजरे 5 साल हो गए, भगवान ने तुम दोनों को बच्चा भी नहीं दिया। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? मुझे तुम्हें ऐसा नहीं देखा जाता। भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है माँ जी। पल्लवी को भी उस लड़की ने धोखा दिया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। सुधाकर, तुम पल्लवी से शादी कर लो ना। मैं पता नहीं कितने दिन जिंदा रहूंगी। माँ जी, मैं उससे 20 साल बड़ा हूँ, लोग क्या कहेंगे? लोग तो ऐसे भी कीचड़ उछाड़ते रहते हैं। सुधाकर, मैं जानती हूँ तुम मेरे पल्लवी को बहुत खुश रखोगे। हाँ बोल दो। अब आपको मना भी तो नहीं कर सकता माँ जी, लेकिन एक बार पल्लवी से पूछ लीजिए, उसकी मंजूरी भी तो जरूरी है। हाँ, मैं बात करती हूँ उससे। देख बेटा, सुधाकर बहुत अच्छा आदमी है, वो तुझे बहुत खुश रखेगा। तेरा किसी लड़के के साथ चक्कर होता ना तो भी ठीक था, लड़की के साथ जी। भराई, हाँ, इस पे क्या गलत है? वेड़ी इसका तो लोग थूकेंगे आप पर। तो सुधाकर के साथ शादी के लिए हाँ कर दे, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। हाय हाय, तू ये क्या कह रही है? तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं शादी के लिए रेडी हूँ। हाय, कहते हैं इंसान के स्वार्थ की कोई सीमा नहीं होती। कुछ मतलबी लोग सिर्फ अपनी ही भलाई के बारे में सोचते हैं, फिर भले दूसरों को इसकी कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, वो ये भी नहीं सोचते कि उनके फैसले का दूसरों की जिंदगी पर क्या असर होगा। अपना उद्देश्य पाने की अंधी दौड़ में उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता। आज का ये केस कुछ ऐसे ही लोगों के गलत फैसलों, उनके स्वार्थ और उससे बुरी तरह प्रभावित हुई कुछ मासूम जिंदगियों की दिल दहला देने वाली कहानी है। सरप्राइज, कैसे लगा? बहुत खूबसूरत, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। थैंक्स। दादा, वो सीलिंग कॉन्ट्रैक्टर मेहता सेठ का फोन है, पैसे मांग रहे हैं। उनसे कहो अगले हफ्ते दे देंगे। ठीक है। मेहता सेठ का, मेरी अभी दादा से बात हुई है, दादा बोल रहे हैं एक हफ्ता रुको। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। अरे क्या हुआ रामू, क्यों रो रहे हैं? सर, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे छुट्टी चाहिए। अरे जाओ। अरे सुनो सुनो, कुछ पैसे रखो और कुछ जरूरत लगी तो फोन कर देना। हाँ वागड़े साहब, नहीं नहीं मैं कर दूंगा। अरे मैं कर दूंगा, बोला ना। पल्लवी,
कि क्या कर रहे हैं आप? फिर अब बिल्कुल भी मूड नहीं है। ठीक है, तुम्हारा मूड कैसे ठीक करना है मुझे आता है। एक सेकंड, ये तुम्हारे लिए है, ये मुझे रात में पहन के दिखाना, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है। मैं कुसुम। हाँ कुसुम, कैसी है? मैं ठीक हूँ, पर तुझे बहुत मिस करती हूँ। आई मिस यू टू। तुझे गुड न्यूज देनी थी, मेरे पति का पंचगनी में ट्रांसफर हो गया है। क्या कहा तूने? सच में? तू ऐसा कर, मेरे यहाँ पर शिफ्ट हो जा, यहाँ बहुत सारे रूम्स हैं, मैं अभी सुधाकर से बात कर रही हूँ, और वैसे भी यहाँ कोई रेंट वेंट नहीं लगने वाला। ठीक है? ठीक है। सुधाकर भाई, पैसा क्या रहो पूछो। नहीं नहीं, तारीख तो आज नहीं होती। जिग्नेश भाई, अभी होटल का कंस्ट्रक्शन आधा है, धंधा भी शुरू नहीं हुआ है अभी। कंस्ट्रक्शन आधा या पूरा ये मुझे पता नहीं है, मुझे तो पैसा चाहिए, अने वायदो आज ना तो। प्लीज़ जिग्नेश भाई, और थोड़ी मोहलत दे दीजिए ना प्लीज़। ठीक है, 2 महीने की मोहलत देता हूँ, उसके बाद में पैसा चाहिए। अगर नहीं मिला तो कैसे निकलवाना है तरीका मेरा होगा। जय श्री कृष्ण। मुझे आपसे एक बात करनी है। वो मेरे एक फ्रेंड है कुसुम, वो और उसके हस्बैंड हमारे ही शहर में रहने के लिए आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम उन्हें यहाँ अपने साथ रख लें। वैसे भी अपने पास बहुत सारे रूम्स हैं। बीवी का हुक्म सर आंखों पर। सरकार, मैंने आपकी बात कभी टाली? बुला लीजिए। हाय। हाय। मैं अभी अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ। सुधाकर, मीट माय फ्रेंड कुसुम एंड हर हस्बैंड दीपक। हेलो सर। हेलो, नाइस टू मीट यू। मैंने कहा था ना आपको कि ये दोनों यहीं रहेंगे। वेलकम सर। एक्सक्यूज मी। या या, प्लीज कम। प्लीज वेलकम। कैसा लगा रूम? एक्चुअली आपके आने से पहले ही मैंने रूम रेडी करवा दिया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुसुम तो आपसे मिलने के लिए बेताब हो रही थी। चलो अभी आप दोनों सहेलियां गप्पे लड़ाओ। अब तो हम दोनों वो सब कुछ करेंगे जो शादी से पहले किया करते थे। अब मैं फ्रेश हो जाता हूँ। कैसे हो दादा? अरे शैलेश। दादा, एक इंक्वायरी आई है। 8 साल के बच्चे की बर्थडे पार्टी है, बैटमैन थीम है, तो मैंने उनको आपका नंबर दे दिया है, बात कर लेना। थैंक यू वेरी मच शैलेश। तुम इतने ऑर्डर्स लाते हो, तुम्हारी वजह से ये बिजनेस चल रहा है। दादा एक बात पूछूं, अगर आपका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है तो फिर आप इसे बेच कर रहे हो? मैं ये प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा भाई मनोज रमणीक शाह को दोनों प्रॉपर्टी बेच रहा है। लीजिए चाय। लीजिए चाय। अरे रमणीक भाई, मुझे आपकी जुबान पे पूरा भरोसा है। मैं देखती हूँ। अरे दादा, तुम्ही? मनोज कहाँ है? अंदर है वो रमणीक भाई के साथ। मनोज, तुमसे कितनी बार कहा है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये होटल नहीं बेचूंगा। और रमनिक भाई, यहां पे कोई डील नहीं हो रही, निकलो ऐसे। गेट आउट। अरे आई
आइंदा अगर मुझसे पूछे बगैर कोई डील की तो याद रखना, समझे? चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो ये सब कुछ बेच के रहूंगा। अरे हाँ भाई हाँ, बस निकल ही रहे हैं। या पल्लवी को भी तो साथ लेकर आ रहे हैं भाई। या बाय। एक्सक्यूज मी सर। या सर, मैंने सुना है आपकी न्यू होटल स्टार्ट हुई है। सर मैंने होटल मैनेजमेंट भी किया हुआ है और मुझे सेल्स का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। सर मुझे जॉब की बहुत जरूरत है। क्या है कि ये होटल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये होटल पूरा हो जाएगा तब आ जाइए। पर सर आप एक बार देख लीजिए ना सर। प्लीज लीव। रख लीजिए ना, वैसे भी होटल तो बन ही रहा है, आज नहीं तो कल स्टाफ की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। And in fact, she is looking very beautiful, graceful and well educated. सरकार आपके आगे कोई बोल सकता है? जैसे आपकी मर्जी। अरे हाँ भाई निकल चुके। या सर। या। थैंक यू सो मच मैम। हमने तुम्हें जॉब पर रख तो लिया, लेकिन तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो मैं तुम्हें कहूँगी। ओके मैम, मैं कुछ भी करूँगी। दादा 25 को अपना बैंक्वेट खाली है क्या? 25 को हाँ है। तो मैं जाऊं दादा? यस। डॉक्टर साहब, इसका जिक्र किसी से मत करना। जी प्लीज आइए, मैं आपको छोड़ूंगा। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं कंप्लेंट करने के लिए। अरे नहीं नहीं, शायद ये मनोज का काम होगा। पुलिस केस हो गया ना तो अपने होटल का नाम उछलेगा, बिजनेस पर असर होगा। अरे तुम टेंशन मत लो, अरे गोली से छूकर चली गई है। सर मैं ही शैलेश हूँ, मैंने ही आप लोगों को फोन किया था। एक्चुअली सुधाकर दादा ने ये बात किसी को बताने के लिए मना किया था, लेकिन मैंने आपको फोन करना सही समझा। लेकिन हुआ क्या है? सर मैं उनके बैंक्वेट के बारे में इंक्वायरी करने यहाँ आया था। हम लोग दोनों यहीं पर ही बात कर रहे थे और जैसे ही हमारी बात हुई मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था, वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। मैंने गोली की आवाज़ सुनी तो मैं बाहर आके देखा तो दो आदमी बाइक पे खड़े थे और दादा पे फायर किया और मैंने उनको पकड़ने की कोशिश भी की सर, लेकिन नहीं पकड़ पाया। कहाँ से आए थे वो लोग? जंगल के रास्ते से, यहाँ से सीधे गए थे और यहीं से ही आए थे। इस वाले रास्ते से? हाँ सर। और सुधाकर जी कहाँ खड़े थे? यहाँ पे गिर गए थे वो। और फायर यहाँ से हुआ? फायर यहाँ से हुआ था, यहाँ पे गिर गए। गोली कहाँ लगी थी सुधाकर जी? सर गोली उनके हाथ को छूकर चली गई। खड़े जरा वहाँ चेक करो सर, बुलेट मिलती है क्या? सर इधर आइए, ये देखिए सर ये बुलेट मिली है, शायद ये बुलेट यहाँ पर लगी है और यहाँ से फिर इधर नीचे गिरी थी। कड़े काम करो, इस बुलेट को बैलिस्टिक के लिए भेजो। सर सुधाकर जी कहाँ है अभी? अपने रूम में आराम कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे सीसीटीवी तो होगा ना? हाँ सर है ना, फुटेज चाहिए थी, आइए मैं दिखाता हूँ। सर गोली छू कर निकली है, कोई बड़ा जख्म नहीं है। लेकिन फिर भी आपके ऊपर हमला हुआ है सर। अच्छा आपकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा वगैरह? नहीं सर किसी से दुश्मनी नहीं है,
और हमें कंप्लेंट भी नहीं करनी। आर यू श्योर? 100%। ठीक है, चलो। मनोज कहाँ है? अंदर है वो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने अपने ही भाई पर हमला करवाया? वहनी, आप ये क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ मैं। तुमने अपने भाई पर हमला इसलिए करवाया ना क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी सेल करने के लिए मना किया था तुम्हें। वहनी, आप कुछ भी बोल रही हो, मैं मानता हूँ भाई और मेरे सोचने का तरीका अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन पे हमला करवाऊंगा। और ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये वहनी जो कह रही थी वो सच है? अरे काय पण काय बोलते कविता, तेरी कसम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सर, सुधाकर पे जिस गन से फायर किया गया था उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से वो देसी गड्ढे से फायर हुआ था सर। अच्छा, और क्राइम सीन का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। ये देखिए, ये दो लोग हैं, बाइक से जा रहे हैं, बाइक में नंबर प्लेट भी नहीं है सर। आई विटनेस का डिस्क्रिप्शन के हिसाब से एक का डिस्क्रिप्शन मैच भी कर रहा है, और जिसने फायर किया था वो लेफ्ट हैंडेड है। एक काम करो सिर के, क्रिमिनल लिस्ट में देखो कौन लेफ्ट हैंडेड शूटर है, और अपने खबरों को अलर्ट कर दो। ये सुधाकर ने कंप्लेंट की थी? नहीं सर। तो ये भी पता करो सुधाकर ने कंप्लेंट क्यों नहीं की। ओके सर। डरे डरे क्यों हैं? अरे कुछ बताएंगे आप? रुकिए मैं पानी देती हूँ आपको। लीजिए। बताएंगे कुछ? क्या हुआ, क्या है? कांड हुआ। कांड? कैसा कांड? नहीं नहीं बता सकता, हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभालूंगा, लेकिन इस बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। मैं संभालूंगा, फंस जाएंगे हम लोग फंस जाएंगे। अरे अरे मेरी बात तो सुनिए, कुछ तो बताइए। फंस जाएंगे सर? ये लेफ्ट हैंड शूटर्स की लिस्ट है, कुल 135 नाम है इसमें। सर ये क्या? सर ये गणपत है, इसने रिसेंटली 3 लोगों को देसी कट्टे बेचे हैं, कपासवाड़ी में छुपा हुआ। सब मारो मत, इन 3 जनों को बेचा था। बता सब बताता हूँ सब। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हेलो, अगर नहीं विदाउट साखर से चा पीतो है, साखर बंद। नहीं ना, बंद। यस सर, हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में से गणपत ने ऐसे 3 लोगों को पहचाना है जिसने उसे रिसेंटली देसी कट्टे बेचे थे। ले क्या हो तीनों को? ठीक सर। हेलो, क्या? ठीक है सर, एक बॉडी मिली है। ए चलो रे, चलो 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 चल। ए उधर चल चल, सिर के चेक करो। सर ये तो सुधाकर जी हैं। मोबाइल वगैरह कुछ है क्या? कड़े चेक करो, बॉडी को काफी घसीट के लाया है। अरे इधर ये मनोज माने रहता है ना? हाँ सर, ये बाकी बंगले तो खाली हैं,
लेकिन मनोज उस बंगले में रहता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। शेर के मनोज से बात करते चलो। हे भगवान, कैसे हुआ? तुम्हारे भाई की लाश तुम्हारे घर के बाहर मिली थी, तुम्हें अजीब नहीं लगता? सर मैं खुद परेशान हूँ कि हमारे घर के बाहर मेरे दादा की लाश कैसे। सर दादा बहुत अच्छे इंसान थे, हमेशा सबकी मदद करते थे। ये कौन? ये हमारे पेइंग गेस्ट है, कुसुम और दीपक। आपको मालूम है इस मर्डर के बारे में? नहीं सर, हमें भी अभी अभी पता चला है। जब तक इन्वेस्टिगेशन जारी है आप लोग शहर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। सर गणपत ने जिन तीन लोगों को पहचाना था उसमें से दो लोग यूपी और झारखंड में हैं, लेकिन एक बंदा है जिसे रिसेंटली पंचगनी में देखा गया है, विनोद नाम है उसका। उठा उसको। ठीक है सर। ये सब मैं जीता, अबे अगला चल। बहुत शौक है ना लोगों का सुपारी लेने का, सुधाकर को तूने टपकाया ना? नहीं साहब, वो रमणीक शाह ने मुझे सुपारी दिया था सुधाकर को मारने का, लेकिन मेरा निशाना चूक गया सर, मैंने नहीं मारा उसे। पहले हमले की नहीं दूसरे की बात कर रहा हूँ। दूसरा हमला? साहब मैंने दोबारा हमला नहीं किया, वो तो मामला ठंडा होने तक मैं यहाँ पे छुप कर बैठा था। माँ कसम मैंने सुधाकर को नहीं मारा है। खड़े उठाओ इसे। देखा है इसको? अरे सर मैं तो इसको जानता तक नहीं, मैं तो उसको पहली बार देख रहा हूँ। आपको कोई कुछ भी बोलेगा और आप मान लोगे? अरे सर मैंने कुछ नहीं किया है, मानो मेरी बात। देख रमणीक भाई, तेरी पूरी हिस्ट्री है हमारे पास, तूने प्रॉपर्टी के नाम पे जितने भी कांड के सब पता है हम लोगों को, प्रूफ नहीं है हमारे पास। जिस दिन प्रूफ हाथ लगेगा ना सिर्फ ठोकूंगा ना तेरी। चल निकल। तो रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 17 सितंबर को 12 से 2 बजे के बीच में हुई, सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था, ट्रोमा की वजह से उसकी मौत हुई। कंफ्यूजन ये है शिरके कि ये सुधाकर की पत्नी पल्लवी अपने देवर मनोज पर आरोप लगा रही है कि उसने सुधाकर का खून किया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये मनोज ने अपने भाई का मर्डर करके उसकी बॉडी अपने ही घर के बाहर डंप क्यों की? सर कहीं ये काम इस रमणीक का तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत कांड कर चुका है, हमारे पास सबूत नहीं था इसलिए इसे छोड़ना पड़ा। ये रमणीक और मनोज दोनों पे ध्यान रखो, और सुधाकर की पत्नी पल्लवी उसे पूछताछ करो। सर मैं आपको एक बात बताना भूल गई, करीब 12 दिन पहले 8 सितंबर को मेरे पति डरे हुए घर पर आए थे और कह रहे थे कि कोई कांड हो गया। कांड हुआ? कांड? कैसा कांड? नहीं नहीं बता सकता, हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। किस तरह का कांड हुआ था कुछ बताया सुधाकर जी ने? नहीं सर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन कह रहे थे कि मुझे कि हमें जान का खतरा है। अच्छा हमें क्राइम सीन पे सुधाकर जी का फोन नहीं मिला, क्या वो अपना फोन घर पे भूल के गए थे? नहीं उनका फोन 17 तारीख से बंद आ रहा है। मुझे लगता है कि उनका खून और ये कांड इन दोनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। तुम एक काम करो, 8 सितंबर की सुधाकर जी की फ़ोन की लोकेशन पता करो। राइट सर। सर सुधाकर की 8 सितंबर की फ़ोन लोकेशन डिटेल्स। इसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिख रहा है, और सुधाकर उस दिन 3 से 3:30 के बीच में जनता नगर में मौजूद था। जनता नगर जैसे सुनसान एरिया में क्या कर रहा था? अभी आधा घंटा
शिर्के जरा जनता नगर जाके चेक करो। ठीक है सर। सुधाकर जी के फोन की लोकेशन यही थी ना? हाँ सर। जरा चेक करो कुछ मिलता है क्या। सर इधर आइए। ये देखिए सर, सर लाश की हालत देख के लगता है बहुत टाइम हुआ है मौत होके। लाश पूरी तरीके से सड़ चुकी है। खड़े जरा आसपास देखो कोई आईडी वगैरह मिलता है क्या। सर 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 ये सैंडल देखिए, इसकी डिजाइन देखिए, ये बहुत ही रेयर है। स्वाति पता करो कि इस ब्रांड और इस साइज का सैंडल रिसेंटली किन किन लोगों ने खरीदा है और कोई फीमेल की मिसिंग कंप्लेंट है क्या, ये भी पता करना। सर सर कुछ नहीं मिला। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर पुलिस सुधाकर के खून की गुत्थी में उलझी हुई थी, तभी अचानक एक और हत्या का मामला सामने आ गया। आखिर कौन थी ये औरत, क्या उसका सुधाकर के साथ कोई नाता था और क्या उन दोनों का कत्ल एक ही इंसान ने किया था? पुलिस के सामने अब यही नए सवाल खड़े हो गए थे, जिनके जवाब पाने के बाद ही पुलिस असली कातिल तक पहुंच सकती थी। सर हमने मिसिंग कंप्लेन चेक की, लेकिन बॉडी के डिस्क्रिप्शन से मैच करती हुई मिसिंग कंप्लेन नहीं मिली। वो सैंडल के डिटेल्स का क्या हुआ? सर उस औरत ने बेस्ट क्वालिटी ब्रांड की 6 नंबर की चप्पल पहनी हुई थी, एक ही वेबसाइट पर अवेलेबल है, और तकरीबन 58 औरतों ने 6 नंबर की उसी डिजाइन की चप्पल इस वेबसाइट से मंगाई है। सर उन सारी औरतों की इंक्वायरी कर रहे हैं। सर ये विनोद जिसने सुधाकर जी पे हमला किया था, सर ये रमणीक शाह का नाम ले रहा है, लेकिन मुझे इसके ऊपर शक है सर, क्योंकि विनोद के अकाउंट में सुधाकर जी के भाई मनोज ने पैसे ट्रांसफर किए हैं। तेरे बैंक अकाउंट से विनोद के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है, तुम दोनों ने मिलकर मारा तेरे भाई को। सर मैं मानता हूँ मैंने और रमणीक भाई ने सुधाकर दादा को मारने का प्लान किया था, लेकिन हम लोग कामयाब नहीं हुए थे सर। लेकिन सेकंड टाइम तो कामयाब हो गया ना तू? नहीं सर, मैंने पहली बार भी कुछ नहीं किया था और सेकंड टाइम तो मैंने कोशिश भी नहीं की थी। मुझे तो खुद इस बात पे पछतावा है कि मैंने सुधाकर दादा को मारने का प्लान किया भी कैसे। अरे पछतावा तेरे को तब होगा जब तू जेल में टॉयलेट को बैठेगा, और तेरे और रमणीक भाई को भी नहीं छोड़ेंगे। चल लेके चल। सर सर बेस्ट क्वालिटी ब्रांड की सैंडल खरीदने वाली 57 औरतों से हमारी बात हुई है, सारे के सारे सही सलामत है सिवाय एक औरत के, उसका नाम शोभा मेहता है, यही कि बिजनेसमैन प्रकाश मेहता की बीवी है वो। सर लेकिन शोभा मेहता की कोई भी मिसिंग कंप्लेन दर्ज नहीं हुई है। तो इसका मतलब सुधाकर जिस कांड के बारे में बात कर रहा था शायद वो यही कांड होगा। क्या ये सुधाकर शोभा मेहता को जानता था? ये दोनों के मर्डर का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर लग रहा है। प्रकाश मेहता से बात करो। सर सर ये मेरी बीवी है, ये सारी ये सैंडल उसी के हैं सर। तुम्हारी बीवी शोभा इतने दिनों से गायब थी और तुमने पुलिस कंप्लेंट नहीं की, क्यों? शोभा अक्सर बिना बताए अकेली कहीं ट्रिप पर निकल जाती थी, तो मैं भी अपनी बिजनेस ट्रिप्स में बिजी रहता हूँ, इसीलिए सर इतने दिनों से गायब है पता ही नहीं चला सर। चलो मान लेते हैं कि शोभा बिजनेस ट्रिप पर जाया करती थी, तुम भी बिजी रहते थे, लेकिन फ़ोन करके एक दूसरे का हाल चाल तो पूछते होगे ना। अच्छा तुम किसी सुधाकर माने को जानते हो? सर नहीं नहीं देखो शिरके मैं क्या बोल रहा हूँ। सर शोभा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सर रिपोर्ट के हिसाब से शोभा की मौत गला घोटने की वजह से हुई है, रस्सी का इस्तेमाल हुआ, और 8 सितंबर को दोपहर 2 से 4 बजे की उसकी मौत हुई है, जिससे सुधाकर का टावर लोकेशन मैच होता है। सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, ये प्रकाश की बीबी शोभा इतने दिनों से गायब है और इसे कोई खबर ही नहीं, और उसने जो कारण बताया सर वो तो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ये प्रकाश की कुंडली निकालो, देखो ये सच बोल रहा है झूठ। ठीक है सर मैं उसकी कुंडली निकालता हूँ। कहाँ जा रहे हो? सब कपड़े इस्त्री को देने के लिए।
मेहता के घर में कितने साल से काम कर रहे हो? 4 साल से। 4 साल से, मतलब तुम्हें तो पता ही होगा कि उसके घर में क्या होता है क्या नहीं। तो तुम्हारे साहब और तुम्हारी मैडम के संबंध कैसे? साहब वो मैं घबराओ मत, तुम्हारा नाम नहीं आएगा, बताओ। वैसे तो हमारे साहब बहुत अजीब, मतलब अगर काम रहता है तो वो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जब शराब पीते हैं तो अचानक जानवर बन जाते हैं। आप फिर से क्या आगे? तो प्रकाश साहब तो अपने दोस्तों के सामने भी शोभा मैडम के साथ बहुत बार ज़बरदस्ती करते थे। साहब मैडम का कोई नहीं था ना, इसलिए मैडम सब कुछ बर्दाश्त करने लगी और कुछ दिनों बाद घर के बाहर रहने लगी। तुम्हें लगता है कि ये प्रकाश तुम्हारी मैडम का मर्डर कर सकता है? साहब ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, मुझे जो कुछ पता था मैंने आपको बता दिया साहब। अब मैं जाऊँ नहीं तो साहब गुस्सा करेंगे। ठीक है जाओ। तो इस प्रकाश ने सुधाकर को भी रास्ते से हटा दिया? हाँ सर, हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है। एक काम करो, शोभा और सुधाकर इनकी और डिटेलिंग करो, आई एम श्योर कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। सर हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। हाँ शौक से लीजिए। कटे सर। सर ये देखिए क्या मिला। तुम्हारी बीवी ने 4 महीने पहले एबॉर्शन करवाया था, ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर मैं तो ये भी नहीं जानता था कि वो प्रेग्नेंट है। तो फिर ये रिपोर्ट कहाँ से आई? सर पिछले कई महीनों से हमारे बीच कोई फिजिकल रिलेशंस थे ही नहीं। देखो जो भी है सच सच बता दो, वैसे भी तुम ज्यादा दिन तक बचने वाले नहीं हो हमसे। सर शोभा के कॉल रिकॉर्ड में एक पर्टिकुलर नंबर मिला है जिससे शोभा लगातार 6 महीनों से टच में थी। लेट नाइट्स कॉल्स भी किए गए और बहुत सारे रोमांटिक मैसेज भी भेजे गए और सभी मैसेज का शोभा ने जवाब भी दिया है। इसका मतलब इसका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होगा। हाँ सर हो सकता है, लेकिन शोभा ने यह नंबर अपने फ़ोन में सेव नहीं किया था। हो सकता है कि उसे डर था कि शायद ये बात उसके पति को पता चल जाए। हमने पता किया है सर, ये नंबर राजीव देशमुख के नाम रजिस्टर्ड है और शोभा के घर में हमें उसकी अबॉर्शन रिपोर्ट मिली थी, उससे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन इस राजीव देशमुख का फोन 8 सितंबर को उसी जगह एक्टिव था जहां शोभा की बॉडी मिली, जनता नगर। तो हो सकता है राजू देशमुख ने शोभा मेहता को मारा हो, राजू को ढूंढो जल्द से जल्द। ठीक है सर। सर मनोज के पेइंग गेस्ट कुसुम और दीपक दोनों की इन्फॉर्मेशन निकाली। वो पहले सुधाकर के होटल में रहते थे लेकिन कुछ दिन पहले वो मनोज के यहाँ शिफ्ट हुए। सर ये कुसुम और सुधाकर की बीवी पल्लवी पुराने दोस्त हैं। तो पता करो कि वो सुधाकर के होटल से क्यों शिफ्ट हुए थे। सर सर होटल छोड़ा नहीं था, छोड़ना पड़ा था। सर एक दिन मैं भैया से बात करने के लिए होटल चला गया था तो मैंने देखा कि हॉल में भैया और दीपक में किसी बात पे झगड़ा चल रहा था। इसके आगे एक लफ्ज भी कहा ना तो यही पे मार डालूंगा। अपनी बीवी को उठा और आज ही हमारा घर छोड़कर चला जा, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। दादा दादा छोड़िए आप, चलिए आप चलिए। क्या हुआ भैया, इतने गुस्से में क्यों थे? वो तो मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कहा है कि घर छोड़ के जाने के लिए। फिलहाल तो मुझे एक रहने के लिए बंदोबस्त करना होगा। तो एक काम करो ना, मेरे यहाँ एक कमरा खाली है, तुम और तुम्हारी बीवी आ जाओ, यहाँ जितना रेंट दे देते हो उतना ही दे दो। सर मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी इसलिए मैंने दीपक और उसकी पत्नी को अपने घर में रहने के लिए कहा था। होगी ना पैसों की ज़रूरत, क्योंकि भाई की सुपारी देने में तेरा पूरा पैसा खर्चा हो गया था। ये झगड़ा किस टाइम और किस वक्त हुआ बता रहा। सर राजीव देशमुख की डिटेल्स निकाली है, पता चला है कि उसकी मौत 1 साल पहले ही हो गई थी। अच्छा इसका मतलब उसका नंबर कोई और यूज कर रहा है। ये राजीव देशमुख के बारे में पता करो, माजरा क्या है। ठीक है सर। सर सर सुधाकर के होटल की 11 तारीख की सीसीटीवी फुटेज। हिरासत में ले इसको। सर सर मैं आ तो रहा हूँ। देखा झगड़ा क्यों हो रहा था,
क्या ऐसा तो नहीं कि सुधाकर को तूने मार दिया? अरे नहीं सर, ऐसे मैंने कुछ नहीं किया। कर दे। सर, 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 बोल रहा, बोल रहा, बोल। झगड़ा किस बात को लेके हो रहा था? सर, एक्चुअली मेरी बीवी कुसुम और पल्लवी इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था। दोनों लेस्बियन है सर। अरे आ गए तुम? उन दोनों पे मुझे शक होने लगा था। लेकिन मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ सर। मुझे वो वीडियो सुधाकर को दिखाना था, इसलिए मैं अगले दिन सुधाकर से मिलने गया। क्या बकवास कर रहे हो? शर्म नहीं आती? इतना गलना इल्जाम लगाते हो मेरे बीवी पर? पल्लवी मुझसे बहुत प्यार करती है, इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता मैं। मेरे पास प्रूफ है, रिकॉर्डिंग किया है मैंने। बिना प्रूफ के आपके पास नहीं आता मैं। एक मिनट, वो वीडियोस बहुत आते हैं ना तो पता नहीं चलता। एक मिनट मैम, इसके आगे एक लफ्ज भी कहा ना तो यही पे मार डालूंगा। सुधाकर ने मुझे होटल छोड़ के चले जाने को कहा। मेरी बीवी बहुत रोई, गिरगिराने लगी। मुझे लगा कि इस मैटर को यही बंद कर देते हैं। वैसे भी सर, लोगों को जाके बताएंगे तो वो लोग मुझ पे हंसेंगे ना। चल, थैंक यू सर। शिरके मुझे नहीं लगता है सच बोल रहा है। अच्छा, वो सीसीटीवी में सुधाकर का दोस्त शैलेश भी दिख रहा था, मतलब इस झगड़े के बारे में उसको पता था। हमसे क्यों नहीं बोला उसने? ये सब मैं कैसे बताता सर? बड़ी शर्म की बात, सुधाकर अपनी बीवी पे बहुत भरोसा करता था, लेकिन आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ कुछ नहीं है। शट अप! मैंने जो सुना था वो सब सच था। अरे क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। दुनिया से लड़ने को तैयार था मैं, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। सुधाकर बहुत गुस्से में था, उसने मुझे सब कुछ बताया था लेकिन मुझे चुप रहने के लिए कहा था। सर, सुधाकर पल्लवी को डिवोर्स देना चाहता था लेकिन पल्लवी नहीं चाहती थी कि वो डिवोर्स ले। मुझे कहने में भी बड़ा अजीब लग रहा है। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं मेरे पति की मौत से पहले इतना ज्यादा परेशान हूँ और आप लोग उस पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मेरे और मेरे पति के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर, हम दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था। आपको किसी ने बहकाया है सर? आगड़े, ठीक है पकड़ के रखो उसे। सर, सुधाकर जी के मोबाइल में किसी ने दूसरी सिम डाल के यूज करने की कोशिश की है, कर्डे ने उसे पकड़ लिया है। चलो सर, सुधाकर का मोबाइल इसको ही मिला था या एरिया मध्य? किस जगह मिला था बता सकते हो? हाँ सर। चल यही, वो मुझे फोन मिला। ब्लड सर, यहाँ तो सुधाकर जी की बॉडी मिली थी। ये मनोज माने का घर भी इधर ही है ना? हाँ सर। करने स्वाति भागा कैसे आपड़ देगा, मतलब बॉडी को यहां से घसीटा गया। सर ये देखिए, ये चेन मिली है। मारने वाले की हो सकती है। सर ये देखिए सर, खून लगा हुआ रॉड मिला है। पेंडेंट किसका हो सकता है? घरे आल्यानंतर हिशोब करू। आता ठेव। सर, राजीव देशमुख के बारे में पता किया है। सर, इसका एक भांजा है जो अक्सर इससे मिला करता था, इससे हम पहले भी मिल चुके हैं। सर लैब ने कंफर्म किया है, क्राइम लोकेशन पे जो सूखा खून मिला है वो सुधाकर का ही है, और वो जो पेंडेंट है वो किसका है ये भी पता चल गया है। किसका? इसे पहचानती है? हाँ सर। क्या मैं वहां मिला?
पेंडेंट मेरा है सर, मैं मानती हूँ, लेकिन ये पेंडेंट मैंने किसी और को दे दिया था। मेरे पास सबूत है सर, ये देखिए आप। सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैं बेकसूर हूँ। गलतफहमी हमें नहीं, गलतफहमी तुझे हुई है। ये देख, ये तेरे मामा राजीव देशमुख का फोन है, जिसे तू पिछले एक साल से यूज कर रहा है उन्हीं के सिम कार्ड से। मैसेज दिखा, ये देख, इसमें तूने शोभा को शादी का वादा किया था। और एक और बात, ये देख, 8 तारीख को तेरे फोन का लोकेशन जनता नगर। अब बोलेगा या चमत्कार दिखाओ? कर नहीं गया ला। नहीं। सर, मेरा और शोभा का अफेयर चल रहा था। अभी बोला। शोभा अपने पति से बहुत परेशान थी सर, इसलिए वो मुझसे प्यार करने लगी। उसका अबॉर्शन कराने के बाद वो मुझसे शादी करने की बहुत जिद कर रही थी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं शादीशुदा हूँ। शोभा, मुझे लगा कि हम लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई। मुझे धोखा दिया? नहीं, मेरा इस्तेमाल किया? नहीं शोभा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। शोभा, तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी तुम क्या चीज हो। छोड़ो मुझे। नहीं शोभा, मुझे बहुत धमकियां दे रही थी सर। सुधाकर अपने क्लाइंट से मीटिंग करके हाईवे से गुजर रहा था। दादा, अरे क्या कर दिया तूने? ये बात किसी को मत बताना प्लीज। अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये मेरी जिंदगी बर्बाद कर देती। सुधाकर ने दोस्ती की खातिर मेरे राज को राजी रखा। यह हमें वहां मिला जहां सुधाकर की लाश मिली, पर ये रॉड जिससे तुमने सुधाकर को मारा था, तुम्हारे फिंगरप्रिंट है इसके ऊपर। पेंडेंट मेरा है सर, मैं मानती हूँ, लेकिन ये पेंडेंट मैंने किसी और को दे दिया था। मेरे पास सबूत है सर, ये देखिए आप। स्वाति, बताइए। बोल। पल्लवी ने मुझे बताया कि सुधाकर को हम पर शक हो गया, इसलिए वो मुझसे नाता तोड़ रही है। मैं फिर पल्लवी से मिलने होटल गई। आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। क्या कुछ नहीं है? मैंने मेरे आंखों से देखा है। आपने आपने सब कुछ गलत देखा है। ऐसा कुछ नहीं। गलत नहीं देखा है मैंने, विश्वासघात किया है तुमने मेरे साथ। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे यकीन हो गया सुधाकर हमारे रिश्ते के बीच आ रहा है, वो मुझे पल्लवी से मिलने नहीं देगा। ये सोचकर मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मैं पल्लवी को फिर से खोना नहीं चाहती थी सर। मैंने फिर सुधाकर से बात करने की रिक्वेस्ट की और उसे मिलने बुलाया। मैंने दीपक के मोबाइल से पल्लवी और मेरी वीडियो भी डिलीट कर दी। जिस पल्लवी के लिए तुमने इतना सब किया, उस पल्लवी का मोनिका के साथ अफेयर शुरू हो गया। क्या? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। पल्लवी मुझसे प्यार करती है, ये झूठ है। ये सच है। पल्लवी का दूसरा अफेयर मोनिका के साथ चल रहा था और इसीलिए वो तुम्हें अपने से दूर करना चाहती थी, और सुधाकर का और उसका झगड़ा भी इसी बात को लेकर हो रहा था। शैलेश को शोभा के खून के आरोप में और कुसुम को जरूरी नहीं कि उसे वो सब कुछ मिल जाए, इस बात का दुख और मलाल लाजमी है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए मनचाही चीज हासिल करने की जिद में किसी की जान लेना कभी सही नहीं हो सकता। हम अपनी जिंदगी में कुछ चीजें पाते हैं और कुछ चीजें हमें मजबूरन खो देनी पड़ती है, लेकिन उन खोई हुई चीजों को फिर से पाने के चक्कर में कहीं हम कोई गुनाह तो नहीं कर रहे हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रिलोडेड में एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और उचित दूरी बनाए रखिए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।